डेब्यू करने वाले? नहीं नहीं नहीं, मैं पागल हूँ। मेरा फिल्म करने का मतलब यही था कि मेरे कपड़े उतरे, बेइज्जत हो जाऊं। थोड़ी देर में माँ की आंख होने वाली है। रोहित ने आज हमको बताया था कि वो गोलमाल 4 के बारे में एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं E24 पर। बेबो इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ फिल्म एंड हु विल बी द हीरो? रोहित। हमने सुना था कि आप डेब्यू करने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं पागल हूँ। आपने बोला था, आपने बोला था कि सेट पर सुपर हीरो इन गोलमाल। आपने 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 बोला था कि सेट पर आप सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। हाँ वो तो मजाक में, वो तो अभी भी बोल रहा हूँ, यहाँ चैनल में भी सबसे बड़ा स्टार मैं हूँ। देखो घड़ी घड़ी माइक यहीं आ रहा है। यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप। अभी जिसने चॉकलेट नहीं खाए हैं उसके लिए काजू। सिर्फ 2 साल पुराने। मैं कुछ बोल रही थी पहले, नहीं मुझे लगा कि आप नहीं खाओगे ये भी। अच्छा ठीक है, ओके। पूरी नहीं, सिर्फ एक। ये सब स्टॉक खत्म करना है, दिवाली आ रही है। वो चेक करने की करीना का भी साइज 0 फंडा चल रहा है या नहीं चल रहा है। इट्स स्टिल ऑन, शी इज द क्राउनिंग ग्लोरी फॉर साइज 0। सो रोहित, यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप। आपने सबको बुली किया वहां पे। गोलमाल 3 का एक सबसे मेमोरेबल इंसिडेंट जब आपने करीना को कार पे खड़ा कर दिया। मेरे ख्याल से कोई और हीरोइन वो नहीं कर। आप दिल से कह रहे हैं? हाँ, दिल से कह रहा हूँ। और जब आप फिल्म के एंड में आप मेकिंग में देखेंगे तो ये नहीं लगेगा ये स्पेशल इफेक्ट्स में किया है, ये सीजी में किया है। बाकायदा वो शॉट आप मेकिंग में देखेंगे कैसे करीना खड़ी थी और कैसे वो गाड़ी। लेकिन करीना को आपसे एक शिकायत है कि आपने वो गाड़ी रोज चला रहे। तो मतलब आपका डेब्यू हो गया एक तरह से गोलमाल 3 में। मेरी गाड़ी मैं ही चला रहा था। लेकिन एक शिकायत, अपने स्टंट्स अपने खुद किए हुए हैं और सारी चीजें मैंने मेकिंग में डाली हुई। पुश दैट मोटरबाइक। या यस, आई वाज बिहाइंड इट। I was actually being dragged behind that bike. सारी मेकिंग के शॉट्स, सारी इंट्रोडक्शन जो है वो आपको एंड में दिखाई देगी कि ओरिजिनल शॉट्स है, सबने डायरेक्ट किए हुए हैं। ओह रियली? एक सबसे जो बड़ी शिकायत है करीना को आपसे वो ये कि करीना एक कार पे खड़ी हैं और अजय 2 कार पे खड़े हैं। वो बेकार है। बेकार को 2 कार पे खड़ा किया। एक कलाकार है। ये समझदार है। इसलिए किसी कार पे नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्टर है। अच्छा, दो दो लक्ष्मण क्यों रखे हैं आपने फिल्म में? नहीं, एक न्यू एंट्री, एक हमारा लक्ष्मण है और एक दो टीम है। सबके दो टीमें हैं, अर्शद वारसी की टीम हमारे पास। बहुत हो गया मस्ती मजाक। आप ये बताइए फिल्म में है क्या? मतलब रोहित, फिल्म में ये सारे हैं। मतलब क्या होता है फिल्म में? हमने सुना है कि मिथुन दा रोमांस कर रहे हैं रत्ना पाठक शाह से, ऐसा कुछ है? है, बहुत सारे गोलमाल है, लेकिन अगर मैं यही बता दूंगा तो फिर सब मजा खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्या आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों आना चाहिए देखने के लिए इस फिल्म को? क्या क्या गलती है? मतलब पिछली बार जो किया था उससे बड़ा है? हाँ नहीं, आई थिंक एक फैमिली फिल्म है। करीना ने गाली दी, माफ कर देना आपको। और करीना ने तो सिर्फ इतना बोला कि माँ की आंख होने वाली। वो तो ट्रेलर है, टीजर है। लेकिन उज्जवल, डोंट यू थिंक दैट इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि माँ की आंख हुई किस किस की है? लिविंग करीना, जितने बैठे हैं सारे हीरोज की सबकी सबकी हो चुकी है। कैसे हुई? कॉमेडी सीरियस बिजनेस, सीरियस वर्क। देखो काम में ही हमारी माँ की आंख हो गई। पता नहीं क्यों अचानक मेरी बाई आंख फड़कने लगी है, क्योंकि थोड़ी देर में माँ की आंख होने वाली है। ओके, जाते जाते हम चाहेंगे कि आप दिवाली की गुड विशेस दे दें व्यूअर्स को और उनको बोलें कि आपकी फिल्म देखने के लिए। आप सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप 5 नवंबर को सिनेमाघरों में आएं और हमारी फिल्म गोलमाल 3 देखें। गोलमाल 3 जरूर देखिए, क्योंकि थोड़ी देर में दिवाली के दिन माँ की आंख होने वाली है। वेल, गोलमाल 3 के बारे में इन दोनों ने सब कुछ कह दिया। मैं यही कहूँगा कि इस दिवाली आपको बहुत अच्छा मनोरंजन होगा गोलमाल 3 देखकर। और मेरी बोलती बंद हो गई, चलो। कोई डेट नहीं बता रहा है, दिवाली करें। 5 नवंबर को फिल्म रिलीज हो रही है और प्लीज़ 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 ये फिल्म जाके देखिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। गोलमाल 3 5 नवंबर सारे थिएटर्स में सारे शोज। कंप्लीट एंटरटेनर, पैसा वसूल, आप 100% एंटरटेन होके आएंगे। मेरे अंदाज से पहली 2 से ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा एंटरटेनिंग है, स्केल बहुत ज़्यादा है और स्टंट्स अच्छे हैं,
ह्यूमर अच्छा है, एक्टर सारे कमाल के, परफॉर्मेंसेज अच्छी है, तो किसी भी तरह से कोई नेगेटिविटी है नहीं फिल्म के अंदर. यू हैव टू सी इट एंड यू एंजॉय इट. 5th November. ऑल इन ऑल, जाते 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 तुषार अपना फेवरेट डायलॉग बोलने वाले हैं इस फिल्म में. ए आयो ओए मायो. डेब्यू करने वाले? नहीं, मैं पागल हूँ. मेरा फिल्म करने का मतलब यही था कि मेरे कपड़े उतरे, बेइज्जत हो गए. थोड़ी देर में माँ की आंख होने वाली है.